क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले JBL Live 200 ब्लूटूथ हेडसेट की, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो अमेजोन से मंगाया, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, उसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो डायरेक्ट हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के पहले मैं आपको इसके बॉक्स का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला फ्रंट में आप देख सकते हो जो कि ये जो हेडसेट है, नेक बैंड है, तो ये आपको इमेज देखने को मिल जाता है। तो ये 5 कलर में अवेलेबल है अमेजोन पे, ग्रीन कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर और जो कि एक ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा था तो इसके लिए ब्लैक कलर परचेस किया है। उसके बाद आप देख सकते हो इधर डेयर टू लिसन लिखा हुआ और बैक साइड में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका बैटरी लाइफ जो कि 10 आवर तक है, और 15 मिनट आप चार्ज करोगे तो 1 आवर तक इसका बैटरी लाइफ चलेगा, 2 आवर तक आप इसको चार्ज करोगे तो पूरा चार्ज हो जाएगा। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि इसमें प्राइस 5,299 लिखा हुआ, पर अभी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सेल चालू था तो जिसके वजह से इसका प्राइस बहुत ही कम था, मतलब 3,500 हो गया था, तो उसके वजह से ये परचेस किया है। तो आप देख सकते हो इधर JBL हरमन करके लिखा हुआ है और इधर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे गए। तो सेम वही कनेक्शन करने के लिए आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। और इधर जो कि बताया गया है एल्यूमिनियम के प्रीमियम बॉडी का लुक दिया गया है। तो हम देख लेते हैं इसे अनबॉक्सिंग करके और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलो डायरेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको पैकिंग देखने को मिल जाती है। तो इसे तो फिलहाल हम साइड में रखते हैं और अभी हम बॉक्स के अंदर और भी देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट है। तो बॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से ईयरबड्स रहेंगे, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था हेडफोन के ऊपर, तो इसमें भी कुछ ईयरबड्स और मैनुअल वगैरह देते, तो वही चीज़ इसमें भी दी रहेगी। तो हम देख लेते हैं, तो बॉक्स के अंदर बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और देख लेते हैं क्या क्या। तो इधर आप देख सकते हो एक तो USB केबल है जो कि ईयरफोन को चार्ज करने के लिए, ये आपको साथ में मिलती है। तो इसके अंदर देख सकते हो तो ये है यूज़र मैनुअल, तो इसे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसे कैसे यूज़ करना है, पर आपको पता है आपने कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर कोई भी स्पीकर यूज़ किया तो कैसे कनेक्ट करना है तो आपको पता रहेगा। तो इससे तो मैं रख देता हूँ साइड में। इसे साइड में रखने के बाद में आप देख सकते हो इधर कुछ, आप देख सकते हो ये वारंटी कार्ड्स की तरह कुछ दिख रहा है, चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो ये भी मैं इसे साइड में रख देता हूँ। इसके बाद में आप देख सकते हो एक आपको USB केबल देखने को मिल जाती है। तो USB केबल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसे नहीं कि कोई नॉर्मल वाला क्वालिटी का वायर यूज़ किया गया है और टेंजेंट फ्री वायर यूज़ किया गया। तो ये कभी भी मतलब है ही छोटी, तो कभी भी एक दूसरे में उलझेगी भी नहीं वैसे भी, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है USB केबल के। इधर आप देख सकते हो JBL प्रिंटेड आपको देखने को मिल जाता है USB केबल पर। तो इसे भी मैं रख देता हूँ साइड में। और इसके बाद में आप देख सकते हो इसके अंदर मिल जाते हैं ईयरबड्स, तो दो ईयरबड्स तो इसमें ऑलरेडी लगे हुए, और इसके अंदर आप देख सकते हो मतलब एक पैर इसमें लगा हुआ है और दो पैर आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। तो एक पैर स्मॉल है और एक मीडियम साइज़ लगा हुआ है और एक लार्ज साइज़, तो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से जो आपके ईयर में प्रॉपर बैठते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसे भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ईयरबड्स दिखता है, तो ये मैंने लास्ट साइज़ वाला इसे रिमूव किया है। तो ये आप देख सकते हो और इसे मैं रखता हूँ साइड में। और हमारे स्मॉल साइज़ का ईयरबड्स है, उसे भी मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो स्मॉल साइज़ का ईयरबड्स कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसे भी मैं रख देता हूँ साइड में। इसे वापस से मैं प्लास्टिक में डाल देता हूँ। तो आपको तीन पैर मिल जाते हैं ईयरबड्स के, दो तो इसके अंदर और एक लगा हुआ है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हम देख लेते हैं हमारा मेन है ईयरफोन। तो ये ईयरफोन बहुत ही लाइट वेट और अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन, तो इसके वजह से ये परचेस किया। तो इधर मैं जो कि इसे रिमूव करता हूँ इधर से और नेक बैंड को, तो नेक बैंड भी मिलता है, तो आप कहीं भी ईयरफोन डायरेक्ट गिरने का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो इधर आप देख सकते हो ये है हमारा ईयरफोन, और इसके बाद में फिर आप देख सकते हो इधर शायद से कुछ और भी इसके साथ में एक लगाया हुआ है बार कोड, और इस बॉक्स पे तो और भी कुछ भी नहीं, तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो ये हमारा जो कि JBL का ईयरफोन है, तो ये वायर की क्वालिटी बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल ईयरफोन आप परचेस करते हो तो प्लास्टिक के वायर होते हैं, तो इसमें ये प्लास्टिक के वायर नहीं है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये वायर जो कि थ्रेड आपने देखा ही रहेगा, थ्रेड आप ज़्यादा सा थ्रेड रहता तो इस टाइप का क्वालिटी का ये वायर है। तो ये है ना तो इसमें डैमेज होता है और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वायर है। और इधर जो कि एल्यूमिनियम, तो ये दोनों जो कि एल्यूमिनियम है उसके बीच में मैग्नेट्स है, तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं। तो आप अपने नेक पे लगाए हुए हो और बाद में आप नहीं इसको ईयरफोन को यूज़ कर रहे हो आपके नेक पे, तो ये एक दूसरे से स्टिक हो जाएगी, तो एक मतलब अलग अलग नहीं जाएंगे, तो ये तो स्टिक हो जाते हो। और इधर आप देख सकते हो, इधर मैं आपको और भी चीज़ दिखा देता हूँ। तो इधर आपको राइट साइड में जो कि लेफ्ट साइड में आपको इधर कोई भी बटन्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, और इधर जो कि राइट साइड में आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इधर आप देख सकते हो इधर आपका चार्जिंग का पॉइंट्स है, तो ये है चार्जिंग, तो नॉर्मल टाइप चार्जिंग है, कोई भी सी टाइप चार्जिंग नहीं है। तो इसे आपको 2 आवर तक चार्ज करना है और इसका बैटरी लाइफ जो कि 10 आवर तक बताया गया बॉक्स पे। और इधर आप देख सकते हो इधर आपको स्विच ऑन और ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, तो ये बटन प्रेस करने का नहीं है, इसको स्लाइड करने से ऑन होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ इसका किस तरह से दिखता है। और इधर जो कि पीछे के साइड पर मैं आपको प्रॉपर तरीके से जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप
तो इस साइड में आप देख सकते हो एक जो कि वॉल्यूम का बटन देखने को मिल जाता है, प्लस माइनस कम ज़्यादा करने का। और इधर आप देख सकते हो इधर आपको पुश का बटन भी मिल जाता है, इसको आप होल्ड करके रखोगे तो गूगल असिस्टेंट, आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करें तो गूगल असिस्टेंट ओपन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और आप इधर से कुछ भी बोल सकते हो रिमाइंडर के लिए, फिर किसी कॉल लगाने के लिए। और आप एप्पल पे कनेक्ट कर रहे हो तो आप एप्पल पे भी डायरेक्ट होल्ड करके रखोगे तो सीरीज ओपन हो जाएगा। और आप चाहते हो किसी कॉल लगाने के लिए डायरेक्ट विदाउट फ़ोन को निकाले तो डायरेक्ट इधर से भी कॉल लग जाएगा। और इसके अंदर आपको माइक भी मिल जाता है, तो माइक में आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आपको राइट से जो कि पीछे की साइड में, इस साइड आपको है ना प्लस माइनस के बटन देखने को मिलते हैं, और इस साइड आपको माइक देखने को मिल जाता है। और ये जो क्वालिटी है पूरी प्लास्टिक की क्वालिटी है, प्लास्टिक बहुत ही अच्छा वाला ऐसा क्वालिटी का, ऐसा नहीं है कि आप अपने नेक पे रखोगे तो आपके नेक पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और ये ईयरफोन आपको दिखा देता हूँ, और ये जो कि इधर बार कोड है तो इसे बाद में हम रिमूव कर देंगे। और इधर जो कि JBL का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और इधर भी आपको JBL का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। अब हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट, और फ़ोन से कनेक्ट करके मैं आपको साउंड क्वालिटी भी सुना देता हूँ। तो इसे स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हम कोई भी दूसरा ब्लूटूथ ईयरफोन रहता था तो उसके बटन को हम प्रेस करके रखते थे या फिर होल्ड करते थे 1-2 सेकंड तक, तब जाके वो स्टार्ट हो जाता था। पर इसके अंदर ऐसा नहीं, आपको बस इस साइड स्लाइड करना। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा बटन से, और इसे मैं देखो ऐसे स्लाइड कर दिया। अब इसके बाद में फिर आप देख सकते हो व्हाइट कलर का एक लाइट चालू हो गया। अब ये ब्लू हो जाएगा, और ब्लू होने के बाद में फिर जो कि बंद चालू होएगा, तो जिससे ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कोई डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के लिए। तो अभी ये चालू हो गया, और आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की लाइट भी आप देख सकते हो ऑन ऑफ हो रही है। और इससे मैं जो कि अभी कनेक्ट करता हूँ मेरे एक डिवाइस से, तो ये देख सकते हो मैंने मेरा डिवाइस में मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। इधर मोर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में आप देख सकते हो JBL लाइव 200 ब्लूटूथ जो कि इधर आप देख सकते हो JBL का है, तो इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ये कनेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइट दिख रही है वो डायरेक्ट ब्लू हो जाएगी, मतलब जिस तरह डिम डिम कर रही वो डिम नहीं करेगी, बंद चालू हो रही वो बंद चालू नहीं होगी। तो अब मैं कर देता हूँ अलाउ, जो कि फर्स्ट टाइम मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए वो अलाउ के लिए पूछेगा, तो आपको अलाउ कर देना है, पेयर कर देना है। और इसके बाद में फिर आप कभी भी डायरेक्ट ऑन करोगे अपना ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, जो कि आपके कोई भी दूसरे डिवाइस से फ़ोन कोई भी दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस से फ़ोन कनेक्ट नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह कनेक्ट कर देना। अब मैं कुछ सॉन्ग्स बजा के आपको दिखा देता हूँ, इधर मैं आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग से, तो उसका साउंड क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगा। तो इस फ़ोन का रख देते हैं हम थोड़ा नीचे, तो उसके वजह से जो कि हमारा वीडियो क्वालिटी हो रहा था थोड़ा डिफरेंट, तो इसके वजह से मैं फ़ोन को रख दिया नीचे। अब मैं इसके अंदर जो कि साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ, तो मेरा माइक को लेके आ जाता हूँ पास में, तो आई होप आपको सुनाई देता रहेगा कि इस टाइप का साउंड क्वालिटी है। तो मैंने इधर आपको देख सकते हो सके माइक में मेरा माइक थोड़ा क्लियर ना हो तो इससे आपको अलग सुनाई दे, पर ये जो आप अपने खुद के ईयर जो कि अपने कान में लगा के सुनोगे तो बहुत ही बेटर हो, बहुत ही अच्छा और डीप बेस है, तो जिससे एकदम प्रॉपर और अच्छा वॉइस आता है। और इस वॉइस को देख लेता हूँ कि फुल है कि नहीं, तो इसे फुल मैं डायरेक्ट है ना जो कि हमारे नेक बैंड से ही करता हूँ, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। और इधर आप देख सकते हो, अब मैं इधर आप देख सकते हो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो बटन है, तो जिससे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं, तो इससे मैं जो कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ़ोन के ऊपर जो चेंजेस होने को देखने को मिल जाएंगे। तो इधर मैं इस कर देता हूँ वॉल्यूम फुल, और मैं कुछ दूसरा सॉन्ग भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया है किस टाइप का साउंड क्वालिटी है। तो इसे अब मैं कर देता हूँ टर्न ऑफ, जो कि साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और आप खुद के ईयरफोन से सुनोगे तो आपको और भी बेहतर और अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इसे टर्न ऑफ करना बहुत ही सिंपल है, जो कि सेम टू सेम प्रोसेस है। आप जो कि इधर आप देख सकते हो ये जो हमारा बटन दिया हुआ है, इस बटन पे जो कि मैं करता हूँ इस टाइप से स्वाइप, और आपको जो कि साउंड भी सुनाई देगा देख सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से किया, और उसके बाद में ये हो चुका है टर्न ऑफ। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये ईयरफोन है JBL का, तो आप भी परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। उसका प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने भी कलर्स के रहेंगे ग्रीन ब्लू व्हाइट और रेड कलर का 4 और अवेलेबल है, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।